नमस्कार, लीना जीजे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बेसन की सेव बना रही हूँ। मार्केट से हम कई तरह के नमकीन खरीदते हैं, लेकिन जो नमकीन हम घर पर बनाते हैं उसकी कुछ बात ही अलग होती है, क्योंकि उसमें एक पर्सनल टच होता है। आज मैं जो सेव बना रही हूँ उसमें हम सोडा बिल्कुल नहीं डालेंगे और इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। सबसे पहले हम एक बड़ी थाली या बड़ी परात ले लेंगे और उसमें एक कप ऑयल डालेंगे। ऑयल हम कोई भी ले सकते हैं, मैंने सफोला ऑयल लिया है। और एक कप पानी डालेंगे। मैंने ये एक कप तेल और एक कप पानी मिला दिया है। अब हम इसे लगातार हथेली से फेंटते हुए मिक्स करेंगे। हम इसे तब तक फेंटते रहेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और तेल और पानी अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। आप अगर इसको मिक्स करने में हाथों का इस्तेमाल ना करना चाहे तो आप हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इसी तरह से फेंटते रहेंगे। अब ये तेल और पानी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तेल और पानी कहीं अलग नज़र नहीं आ रहा है और ये बिल्कुल घी की तरह दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें वो सारे मसाले डाल देंगे जो हमें सेव में डालने हैं। इसमें हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच अजवाइन और 1 चुटकी या 1/4 छोटी चम्मच हींग। इन सबको तेल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये घोल तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन मिलाएंगे और इसमें जितना बेसन एडजस्ट होगा उतना बेसन हम डालते जाएंगे। ये 1 कप बेसन ले लिया है, अब इसको इसमें डालकर मिला लेंगे। ये 2 कप भरकर बेसन, ये 3 कप, एक एक करके मैंने 3 कप बेसन इसमें मिला दिया है। 3 कप बेसन मिलाने के बाद भी ये घोल अभी पतला है। हम थोड़ा थोड़ा बेसन तब तक मिलाते रहेंगे जब तक कि ये नर्म डो का रूप ना ले ले। इसमें 3 कप और 1/4 कप बेसन एडजस्ट हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा सूखा बेसन इस पर छिड़कते हुए हम इसका गोला बना लेंगे। बेसन काफ़ी स्टिकी होता है और ये हाथों में काफ़ी चिपकता है, लेकिन सही कंसिस्टेंसी आने के बाद हम हाथों को ग्रीस करके इसे चिकना कर लेंगे। बेसन को बिल्कुल भी कड़ा नहीं गूंथना है, इसे मावे की तरह सॉफ्ट होना चाहिए। अब हथेलियों पर तेल लगाकर इसके बड़े बड़े गोले बना लेंगे। आप इस तरह की लंबी प्रोसेस वाली कोई रेसिपी बना रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी प्रोसेस एक साथ करें। जब आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप आटा बनाकर रख सकते हैं और उसके बाद आप अपने दूसरे ज़रूरी कामों को निपटा कर फ्री होकर सेव बना सकते हैं। अब हम तेल को गर्म करने के लिए रखेंगे और जब तक तेल गर्म हो रहा है हम भुजिया मेकर में बेसन को भरकर तैयार कर लेंगे। सेव हम इस भुजिया मेकर से बनाएंगे और इसमें ये बड़े छेद वाली ब्लेड हम यूज़ करेंगे। ब्लेड को इसके अंदर डाल देंगे और इसे ऑयल से चिकना कर लेंगे। अब ये जो बेसन के गोले हमने तैयार किए हैं इनको इस भुजिया मेकर के अंदर डाल देंगे। बेसन को अंदर डालकर हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। अब ये भुजिया मेकर में बेसन भरकर तैयार है और तेल भी गर्म हो गया है। अब इस भुजिया मेकर का हैंडल घुमाते हुए हम सेव को तेल में डालेंगे। सेव को तेल में डालने के पहले गैस ज़रूर कम कर दें, क्योंकि गर्म तेल से गर्म भाप निकलती है और उससे हाथों के जलने का डर होता है, तो थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें। बाद में ज़रूरत के हिसाब से आप गैस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोई भी चीज़ फ्राई करते वक्त शुरू में मॉइस्चर की वजह से झाग काफ़ी आते हैं और फिर धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तेल में झाग कम होने लगे इसका मतलब कि वो चीज़ ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। सेव को उलट पलट कर हम दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। पलटने में 2 चम्मच का इस्तेमाल करने से आसानी रहेगी। तेल में झाग उठने कम हो गए हैं और सेव का कलर भी चेंज हो गया है। सेव अब फ्राई हो चुकी है। अब इसे निकाल कर एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर रख लेंगे। इसी तरह से सारी सेव फ्राई कर लेंगे। सारी सेव फ्राई हो गई है। हम अलग अलग फ्लेवर जैसे लौंग, लहसुन, पुदीना, टमाटर वगैरह डालकर भी सेव बना सकते हैं। इसे हम ठंडा करके एयर टाइट डिब्बे में भरकर कई दिनों तक रख सकते हैं। लीजिए, तैयार है घर की बनी स्वादिष्ट नमकीन। इसे आप भी बनाइए, अपने अनुभव शेयर कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लीनाज इजी किचन। धन्यवाद।